प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के सरकारी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल सोमवार से खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में पहले दिन शिक्षक और दूसरे स्टाफ ही पहुंचे थे। स्कूलों में 6 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगे। फिलहाल स्कूलों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सोमवार को 2286 सरकारी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में क्लासेस को 6 अगस्त से शुरू करने का निर्देश दिया है। क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। सभी सरकारी, आवासीय, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और जैक से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 100% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित होंगी। हालांकि क्लासेस शुरू करने से पहले कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर सभी उपायुक्तों, RDDE और DEO को 6 अगस्त से क्लासेस शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कहा गया है। विभागीय सचिव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी शिक्षक ऑफलाइन कक्षा लेने स्कूल आएंगे, उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन के बाद ही शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी तरह के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के दूसरी सभी क्लासेस का संचालन पहले की तरह करते रहेंगे। इसी के साथ मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी किया गया है। वहीं इसके साथ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी 31 जुलाई 2021 के कोविड-19 गाइडलाइंस और स्कूलों के संचालन के लिए निर्गत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन जरूरी किए जाने की बात भी कही गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पहले के निर्देश के अनुसार सोमवार से राज्य भर के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल खुल गए हैं। शिक्षक और कर्मचारी स्कूल पहुंच रहे हैं। इसके साथ स्कूलों में साफ सफाई भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं गाइडलाइन से जुड़ी आवश्यक बातें। स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन नहीं होगा। बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूल परिसर में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शिक्षक आएंगे और स्कूल से संबंधित काम करेंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।